मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। तो बस मॉर्निंग हो चुकी है, अभी सूर्य स्कूल चले गए हैं। आज अभी सूर्य को स्कूल जाते हुए बहुत लेट हो गया, घर से तो टाइम से निकल गया था, लेकिन आज बहुत ट्रैफिक था, बहुत ज्यादा ट्रैफिक। तो हम लोग 10 मिनट लेट पहुंचे स्कूल, लेकिन सिर्फ हम ही लेट नहीं थे, बहुत सारे और भी लोग लेट थे। तो बहुत सारा रोड वर्क चल रहा है, पता नहीं क्यों, ऑब्वियसली कुछ खराब होगा तभी चल रहा होगा। एनीवे, मेरी यहाँ पे बन चुकी है चाय, और जैसा कि आप लोग हमारे ब्लॉग में देखते आ रहे हो, हमारे घर पे चल रहा है काम। तो फ्रंट लॉन का मेकओवर हो रहा है, जो कि बस जल्दी से कंप्लीट हो जाए और मैं जल्दी से आप लोगों के साथ शेयर करूं। उसके लिए मैं एक अलग से ब्लॉग बना रही हूं, एक अलग से ब्लॉग आएगा, उसमें आपको सारी डिटेल्स देंगे। अभी फिलहाल साइमन और जेफ के लिए चाय बन चुकी है, तो उनको करते हैं चाय सर्व। पता कंटेंट नहीं जाना चाहिए हाथ से, बेशक चाय गिर जाए, कैमरे को नीचे करके इस वाले हाथ से वो हैंडल भी खोलूंगी। मतलब कि बहुत ही करामाती लोग हैं हम। तो मैंने कर लिया है वो काम। हेलो, और चले गए दोनों। साइमन भाई, मैं इन दोनों को आगे फ्रंट में ढूंढ रही हूँ, ये बैक में है। हेलो, यस गाइस, टी, दिस वन इज योर्स। भाई ये बड़ी मस्त चीज ले आई हूँ मैं इंडिया से, ये मैंने होम सेंटर से ली थी, ये कूटने वाली। तो मेरे को ना इसमें अदरक लहसुन कूटना इतना अच्छा लगता है, तो मैं अक्सर ही ना इतना सारा अदरक कूट के रख लेती हूँ, क्योंकि मुझे सुबह अबीर को अदरक वाले जूस के साथ हनी देना होता है। तो बस ये अदरक अगर कूटा हुआ होता है मेरे पास, तो मेरे लिए आसानी हो जाती है। हम इसको ट्रांसफर कर लेंगे इसके अंदर, और सौरभ सूरी की कॉफी रेडी हो गई है। चलो जी, अदरक को कूट दिया हमने, थोड़ा सा गंद भी मचा दिया है, पर कोई नहीं, अभी साफ कर देंगे सब कुछ। मैं ना ऐसे अदरक लहसुन कूट के रख लेती हूँ, तो मेरे लिए बड़ी आसानी हो जाती है जब मैं खाना बनाती हूँ। तो चलते फिरते ये सारे काम कर लेती हूँ, नहीं तो भैया किचन में अगर आप एक बार घुस गए तो नेवर एंडिंग स्टोरी है। तो सूरी साहब की ब्लैक कॉफी रेडी है, और कॉफी अपडेट ये है कि अभी तक कॉफी मशीन डीस्केल नहीं करी गई है। भाई और बहनों, क्या मैं सच में कह रही हूँ, मैं एक दिन अपना ब्लॉग जरूर बनाऊंगी जिसमें मैं आपको अपनी पूरी रूटीन बताऊंगी। भाई टाइम ही नहीं मिलता, टाइम नहीं। And then see what comes back. I'll pick up with them tomorrow as well. आज पतिदेव जाकर अपने लिए सैलेड खुद ही ले आए हैं, यो सुशी से नहीं, सेंसबरी में यो सुशी से। अच्छा, पर मैं ये वाली सैलेड बनाऊंगी घर में, बड़ा इजी है ये बनाना, बहुत इजी है। इसमें वो भी है, राइस भी है। हाँ, लेकिन मैंने तुम्हें कुछ कुछ के साथ भी दी है ना, बनाऊंगी मैं। Very nice. चलो, सॉरी आपकी वाइफ आपको आज लंच नहीं करा पाई। आंसर क्या होना चाहिए था यार, तो हमेशा तो कराती है, इतना तो कर रही होती है, ये आंसर होता है। I'm happy with this. कि आज आपको नहीं बनाना पड़ रहा, आपको रात को चिकन थाई करी खाएंगे ना, ग्रीन थाई करी। वो थोड़ी सी बची है, वो उससे मैं अपनी इंटरमिटेंट फास्टिंग ब्रेक करूंगी। ठीक है, चलो खाना खा लो। हेलो जी, मम्मी ने अभी सूरी को ले लिया है स्कूल से, और अभी सूरी खा रहे हैं चिकन एंड राइस। गिरा लो तुम, एक काम करो गिरा लो। और मुझे इतनी डांट पड़ती है ना कि तू प्रीति गाड़ी का ध्यान नहीं रखती। It's my fault, I know that. Anyway, hello नहीं करनी होती? 155K subscribers हो गए हमारे। We don't want 155, we want 1 million. यही बस, आज तूने प्रूव कर दिया तू मेरा बच्चा है। तो आज अबीर की आते साथ ही हो रही है तेल मालिश। मैंने कहा चलो, मैंने अभी सोच लिया कि मैं हफ्ते में दो बार इसके सर की तेल मालिश जरूर करूंगी। नहीं, टू टाइम्स किया करेंगे। ठीक है, आर यू नाइसली? हाँ, कर रही हूँ, नाइसली कर रही हूँ। तो यहाँ पर चल रही है कुकिंग, और मेरे हस्बैंड आ चुके हैं। गाड़ी में चार्ज पे लगा के आ रही हूँ। हाँ, गाड़ी चार्ज पे लगा दो। और सेंसबरी वालों ने बिठा लिया था क्या आपको वहाँ पे? नो, वो मेरे को एक फ्रेंड मिल गई थी मेरी। आपकी जो फ्रेंड मिली थी ना, आप इधर आ जाओ, मैं आपको अभी मिलवाती हूँ आपकी फ्रेंड से। इतनी देर लगाकर आए हो आप, आपके मैं पनीर, आपका पनीर रेडी कर रही हूँ। तो गाइस, बस कुकिंग चल रही है रात का खाने की, रात का खाना, रात के खाने की। तो आज मैं बना रही हूँ तोरी की सब्जी, और आज तोरी की सब्जी में एक ट्विस्ट है, मैंने तोरी की सब्जी में डाला है आलू। तो देखते हैं आलू डाल के कितनी स्वाद बनती है।
वैसे हमारे घर में तोरी सबको बहुत पसंद है, हमें तोरी घिया टिंडे करेले जो मर्जी खिला दो हम खा लेते हैं। करेले आई गेस सौरभ नहीं खाता है लेकिन मैं खा लेती हूँ, और अबीर भी टिंडा तोरी घिया सब खा लेता है, लेकिन यहाँ पे घिया और टिंडा इतना महंगा आता है ना, इतना महंगा पनीर भी नहीं आता होगा इंडिया में सीरियसली। तो ये पनीर तो कट हो गया है, इसको मैरिनेट कर लेते हैं फटाफट। भैया की चल रही है आजकल जिम शिम, भैया कह रहे हैं प्रोटीन पे प्रोटीन खाऊंगा मैं, प्रोटीन। हाँ, प्रीति को जिम नहीं जाने दूंगा। नहीं नहीं बेचारा, वैसे वो तो मना नहीं करता, मेरे को भी टाइम नहीं मिल पाता यार। यार देखो मैं सुबह उठती हूँ, ठीक है, अभी को तैयार करती हूँ, मैं आपको जल्दी जल्दी बता देती हूँ ना, फिर आप लोगों को लगे करती क्या हो तुम जो तुम्हें टाइम नहीं मिलता। तो हम दोनों सुबह उठते हैं, सौरभ उठता है 5:30, मैं उठती हूँ 6 बजे। तो सौरभ उठकर नहा धोकर नहीं मतलब कि फ्रेश होकर तो वो चला जाता है जिम। तो जैसे जिम जाता है मैं फ्रेश वगैरह होती हूँ, अभी को उठाती हूँ, नाश्ता देती हूँ, तैयार करती हूँ। तो हमने अपना ऐसे रूटीन बना रखा है कि जैसे ही अभी तैयार हो जाता है 7:45 पे, सौरभ जिम से वापस आ जाता है और वो घर के अंदर भी नहीं आता है, मैं सीधा अभी को बाहर भेज देती हूँ उसके बैग वैग के साथ, और सौरभ उसको ड्रॉप करने चला जाता है। ये तो हमारा मॉर्निंग रूटीन होता है जब सौरभ घर पर होता है, ठीक है। अदरवाइज मैं सुबह उठती हूँ 6 बजे, फटाफट से होती हूँ, खुद रेडी, अभीर को करती हूँ रेडी, उसको स्कूल ड्रॉप करके आती हूँ। बाय द टाइम मैं घर आती हूँ ना 9:15 बज जाते हैं, क्योंकि जाते हुए भी बहुत ट्रैफिक होता है, आते हुए भी बहुत ट्रैफिक होता है। और उसके बाद मैं अपने घर के काम करती हूँ, बिकॉज आप लोग इमेजिन कर सकते हो सुबह सुबह उठकर सारे काम करना, नाश्ता बनाना, उसको तैयार करना, उसको फिर नाश्ता खिलाना, फिर उसको भेजना, उसको छोड़कर आना, भाई घर पूरा फैल जाता है। फिर मैं अपना पूरा घर संभालती हूँ, लॉन्ड्री करती हूँ, मैं लॉन्ड्री का काम मोस्टली सुबह सुबह करती हूँ, तो कपड़े वपड़े धोती हूँ, ये सब कुछ करती हूँ। उसके बाद कुछ 11 बजे के करीब मैं जाकर बैठती हूँ अपनी एडिटिंग पे, एडिटिंग से फिनिश होती हूँ 1 बजे, फिर दोपहर के खाने का काम करती हूँ, नहीं तो मेरा कोई ना कोई रील बनानी होती है, कोई कॉन्टेंट बनाना होता है, किसी से कोई बात करनी होती है, अपना हेयर ड्रेसिंग का काम करना होता है, ये सारे काम कर फिर बच जाते हैं कुछ 3, और फिर अभी को स्कूल से लेकर वापस आना होता है। तो इतनी सब जद्दोजहद में जो डिनर है वो मैं बना ही नहीं सकती अर्ली। तो बस अब बन रहा है डिनर एनीवे। तो आज अपने शूज यहीं पे, तुम्हारे लिए शूज की जगह बनाई हुई है, जल्दी उतार के आना, मेरा कैमरा चल रहा है। नोना नोना, एक तो मेरा ये स्ट्रेटनर अब सीढ़ियों पे रख दो, मैं इसको पैक कर दूंगी अपने उसमें। और बेबी आज मैं कमरे नहीं कर पाई हूँ, आज बहुत काम थे, ठीक है, आप रूम्स कर दो मेरे लिए, ठीक है। और ये जैकेट आप पहनते रहो, इसको धोने को मत देना मुझे, मेरे को इतनी गंदी लगती है ना जैकेट, हालांकि इतनी मस्त जैकेट है, एडवेट सारा पहले ले ली थी, अब पहनने जाके जॉन इब्राहिम और कपिल शर्मा। हाँ मैंने वैसे उस दिन देखा था कपिल शर्मा को पहने हुए। ये ज़ारा की जैकेट है जो मुझे बिल्कुल पसंद है, ट्रेंड वहां तक पहुंच गया, सौरभ को बहुत गंदी है। मैंने ये नहीं कहा गंदी है, आप पहन ही जा रहे हो, पहन ही जा रहे हो एक चीज को, कपड़े लेंगे तो पहनेंगे। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ पनीर के लिए मैरिनेशन रेडी। तो इसके अंदर है दही, अदरक, लहसुन, मीट मसाला, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और नमक, बस। तो पनीर हो चुका है मैरिनेट, अब इस पर क्लिंग फिल्म लगा के मैं इसको रख दूंगी फ्रिज के अंदर। तो यहाँ पर मैंने आलू और तोरी कट कर ली है, एक्चुअली ये तोरी नहीं है, ये जुकीनी है, तो यहाँ पर तोरी मिलती नहीं है, तो मैं हमेशा जुकीनी लेके आती हूँ और उसी की सब्जी बना देती हूँ, बहुत अच्छी बनती है। और प्याज भी चॉप कर लिए हैं, और एकदम फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट भी रेडी है, तो मैंने अदरक लहसुन को इसी के अंदर कूट लिया था। प्याज, टमाटर, अदरक लहसुन सारे मसाले डल चुके हैं, बस आज जीरे की कमी है, तो जीरा घर में खत्म था, लेकिन मेरे पास जीरा पाउडर पड़ा हुआ था तो मैंने वो डाल दिया है। जब एक बार ये रेडी हो जाएगी फिर इसके ऊपर डालेंगे कसूरी मेथी, क्योंकि घर में धनिया भी खत्म है, तो मैं जब मेरे पास धनिया नहीं होता ना मैं हमेशा कसूरी मेथी यूज़ करती हूँ। और वाकई में गाइस आप यूज़ करके देखना, इतना स्वाद आता है ना किसी भी सब्जी में या किसी भी दाल में डालना, मज़ा आ जाता है। यहाँ पर खतरों के खिलाड़ी चल रहा है, बहुत ध्यान से अभी, बहुत ध्यान से भी, इसको बाद में खा लेना ना, उसकी टॉप को फिर काट ही क्यों रहे हो अगर खाना है तो। चलो काटो, जल्दी काटो कम्बर, इनका अपना चल रहा है, मेरा अपना चल रहा है। मैं बहुत ध्यान से भाई, फिंगर्स दूर कर लो बेटा, मेरी जान निकली हुई है, बहुत ध्यान से बेटा, बहुत ध्यान से। जय गुरु जी, पीछे कर ले अपनी फिंगर, पीछे कर ले, पीछे भी कर ले। चलो कट कट गया, अभी कट गया, पता कभी काट के नहीं खाता है, आज इसको काट के खाना है क्यों कम्बर, नए नए शौक है।
चलो चलो जी कट गए। तो फुलके बनाने शुरू कर दिए मैंने। बस कुकर भी खोल लिया मैंने और सब्जी हमारी लग रहा है तैयार हो गई है। इसके अंदर डालते हैं कसूरी मेथी और कड़छी घुमाते हैं इसके अंदर। देख सकते हो मैं करती हूँ कुकिंग और मेरी कुकिंग के बाद जो इंसान रगड़ रगड़ के इस गैस को साफ करता है वो कोई और नहीं मेरे पति परमेश्वर है। आई थिंक मेरा ना वो पेटेंट हो जा रहा है यहाँ पे, हमेशा मैं ही दिखता हूँ। नहीं नहीं यार तेरे कुकिंग कराएंगे, तेरे से कुकिंग, तेरे से मटन बनाओ। भूल गया नहीं नहीं तेरे से मटन कभी याद होती थी हमने छोड़ दिया। मतलब मैं इसको कुकिंग बिल्कुल नहीं करने देती। आई डोंट नो यार देखो नहीं 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 करवाते हैं, तेरे से कुकिंग कराते हैं, तेरे से मटन बनवाते हैं। एक दिन सूरी साहब हमारे ठीक है, पता नहीं मैंने पहले ब्लॉग में बताया कि नहीं बताया, मैंने सिर्फ सुना ही है। एक मटन और एक दाल मखनी बहुत अच्छी बनाते हैं। 3 साल पहले बनाई होगी, उसके बाद तो मेरे को लगता है मैंने किचन में हाथ भी नहीं लगाया। अब तेरे को इतनी काम काजी बीवी मिली है तो तेरे को क्या जरूरत है किचन में घुसने की, तुम साफ सफाई का देखो। देखो अपना थोड़ा गैस वैस साफ कर ली, इसलिए मैं दिल खुश कर लो। अभी मैं वो साफ कर रहा हूँ माइक्रोवेव। नहीं यार एक्चुअली मैं कहने तो ये आई थी कि इसकी मदद के बिना ना मैं कुछ नहीं कर सकती। थैंक यू सो मच, हमेशा तुम मेरी इतनी हेल्प करता है।